शोल्डर पे क्या है? यार डैम की हिस्ट्री भाई से पूछो जी। भैया जी, डैम तो मेरे पैदा होने से पहले ही बन गया था, 1962 में ना ये डैम बना था, ठीक है जी। तो सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और आज हम लोग आए हुए यहाँ बनीगाला, सयान भाई से मिलने आए थे, तो जो ये कह रहे थे आज हम आपको दिखाते हैं बनीगाला की जो है यहाँ पे इमरान खान का घर है, तो ये अभी आपको दिखाएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाला नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारा इमरान खान है। मैंने सोचा कि यार इंशाल्लाह जीत जाएगा इमरान खान, तो जलसे में इसको बुलाएंगे भी और जश्न भी मनाएंगे। सो इसको मैं उसकी आने जाने की इंटरेस्ट प्लस उसका घर वगैरह और हम लोगों को मोस्टली इसको ज़्यादा बनीगाला दिखाऊंगा आज। सो मुतकी भाई को हम लेके आए हैं खाना खाने के लिए, सो इनको अभी खाना खिलाते हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे बनीगाला का एक विज़िट कराऊंगा मैं इसको, कि बहुत ही खूबसूरत जगह इमरान खान साहब की, बहुत ही ज़्यादा। और ऊपर इसको पहाड़ियाँ भी दिखाऊंगा और उसको पहाड़ियों में लेके भी जाऊँगा जी, है भी चिकना बचा तो आगे अभी नाश्ता करते हैं भाई, मुफ्ता मारने आए हैं इसको, नाश्ता कराते हैं फिर इसको हम लेके जाते हैं आगे। चले मुतकी भाई इनको लेके आ गया हूँ खाना खाने के लिए बनीगाला में, बहुत अच्छी जगह भी है खाने की, बट मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि इस किचन ने पूरे बनीगाला में कहीं पे भी नहीं, सबसे अच्छी किचन है सबसे। कैसे मनी मुतकी भाई? मज़ेदार। सो अभी हम सारे खाना खाएंगे और फिर इनको मैं आगे लेके जाऊँगा। तो मुतकी भाई ने खाना खा लिया, तो अब इनको हम लेके जा रहे हैं आगे, सो गाड़ी पूरा बनीगाला दिखाने। सो बैठे जी मुतकी भाई, सो आज इनको हम बनीगाला भी दिखाएंगे और खुरके भी करेंगे इनके साथ। तो हमारे साथ है जी खान साहब, तो ये पीछे देखें जी मोटा भाई। डकी भाई को अब हम लेके जा रहे हैं बनीगाला का, बनीगाला डैम दिखाने के लिए। सो इन्होंने देखा नहीं है बेचारों ने, ये बाबू सर और ये कौन कौन से डैम देखे हुए भाई? लुलू सर, बाबू सर। सो ये भाई बाबू सर डैम, बाबूसर डैम नहीं है, बाबूसर डैम नहीं है। अच्छा चलो जी, खैर बाबूसर डैम नहीं है, मैं नहीं पता इतना। सो इनका भी हमें कमर्शियल एरिया दिखा रहे हैं बनीगाला का। और भाई दिलवा रहे अभी हम $200 का। अच्छा कन्वर्ट पाकिस्तानी रुपीस में कितना बनता है ये? $200 बन रहा है भाई, तकरीबन मैथ फेल है तेरी। 40,000 भाई, 40,000 का पेट्रोल, 40,000 का तकरीबन पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो क्योंकि अभी हमने पूरा बनीगाला जो है ना, जूम पंप बनीगाला में एक ही पंप है, जूम पंप ही है ना, बस यहाँ से आप पेट्रोल डलवा के अब इनको हम डैम में लेके जाके मछलियाँ दिखाएंगे प्यारी प्यारी। नहीं भाई मछलियाँ पकड़ेंगे अभी। हाँ इन्होंने दो पकड़ी भी हुई है, एक ही एक ये बालू बालू डाल का डालू क्या था भाई, 300 का डालू। असल में तेरी शक्ल देख के कहा था उन्होंने, मतलब कि यार ये मजाक हो रहा है। भाई पंपी पंपी और थंबनेल के लिए भाई बैटरी दे तुम, तक भाई कह रहे मेरे वॉलेट ही कर रहा है भाई, मेरा वॉलेट ही कर रहा है क्या भाई? ये भाई साथ कह रहे हैं कि तरीका पुराना हो गया भाई, और अल्लाह की कसम बस मेरा वॉलेट कर रहा है ना, क्या कंजूसी में तकी भाई, मेरी जान हजारों लोग देख रहे हैं, राइस साहब देंगे, राइस साहब, खान साहब देंगे, खान साहब दो जी जी देंगे। सो फाइनली हम आगे टाइम पे आज इनको हम बनाएंगे, कश्ती भी बैठाएंगे, सो चप्पू ही खुद ही चलाएंगे। मैं गड्डी लाना मड़ी दो तस्वीरों की गड्डी का फोटो ला पूछ सो मड़ी आज हम तकी भाई आ गया। सो ये मतकी भाई आ रहे हैं अभी, गाड़ी सुधर ही नहीं है, चलो इनको उतारते हैं हम, आ जाएं भाई तकी साहब आ जाओ।
तकी भाई आखिरी आ गए, बहुत ही खुशी, कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई भाई दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, भाई दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये खान साहब की, खान साहब बताएं मेरी इधर बनाई दो तस्वीरें, खान साहब कह रहे हैं पिक्चर बनाओ जी। चलो पिक्चर में आते हैं फिर चलते हैं आगे। हम लोगों ने जाना था डैम पे, लेकिन एक काम पड़ गया, कपड़े ही नहीं थे भाई, कपड़े चेंज करने। हाँ, इन्होंने कपड़े भी चेंज करने थे, तो इनको हम लेके जा रहे हैं अभी फैजाबाद, फैजाबाद से हम वापस आएंगे। सो इनको आज बोटिंग भी कराएंगे हम, इन बेचारों ने नहीं की भी कभी भी बोटिंग। सो ये डरते भी बहुत ज़्यादा है ये भाई, इनका तो साथ सुखा हुआ कह रहे यार मरना नहीं है मैंने। सो इनको हम क्या नाम है, बकरा लाल होने से पहले उसकी खातरदारी की जाती है, इसकी भी हम करेंगे अभी। सो चले आगे दिखाता हूँ मैं आज इससे ज्यादा होता क्या है फिलहाल। खान साहब, खान साहब लेके जा रहे हैं। कोपा भाई इस वाले व्लॉग का जो है ना वेट करना, आपने आखिर तक सारा देखना है। आज आपको मजा ना आए तो पैसे भाई जायज कैश इजी पैसा कहीं पे भी हम आपको भेज सकते हैं। और इजी पैसा और जायज कैश में रुपया भी नहीं दे रहे, नहीं ये गलत बात है। कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं। खान साहब, खान साहब कह रहे हैं आज मेरा भाई कमेंट देखना, आप सिर्फ वीडियो पे कमेंट। चलो खान साहब इज बेस्ट, आई लव खान साहब। ये नहीं इमरान खान, आई लव खान साहब, ये वाले नहीं इमरान खान साहब। वो जो है मतकी भाई की हम जा रहे हैं इनको तैयार शार कराने, कपड़े इनके यहाँ पे पड़े हुए थे दोस्त के दोस्त ही कमरे में। सो वहाँ से भी हम इनको तैयार शार करा के पप्पू बच्चा बना के लेके जाएंगे पानी वाली जगह पे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे, आपको दिखाते हैं आज मतकी भाई के साथ कैसा रहा हमारा दिन मतकी भाई के होटल पे। सो इन्होंने अब कपड़े लेने, यार बहुत ही ऊपर है मतकी भाई, इसका व्यू बहुत ज़्यादा है। तो आप कपड़े लेते हैं फिर कहीं से आगे। फाइनली मतकी भाई तैयार होके आ गए। सो अब हम वापस जा रहे हैं बनीगाला, और बनीगाला जाके बोटिंग करनी है और कुछ जगह दिखानी है इसको। सो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि लेट हो गए हम काफ़ी। मतकी भाई हाथ ला दो, बाबा जी कश्मीर वाला एक वो डायलॉग। सो चलते हैं जल्दी, मतकी भाई तैयार हो गए और हम लोग वापस गाड़ी में बैठ भी गए और वापस नहीं कर रहे हैं अब। सो अब हमने जाना है सीधा किधर, बनीगाला डैम है अभी, बैरागाव जाना है जिनको, और भी काम है मतकी भाई को और इनको। तो ये करके हम इनको अब लेके जाएंगे डैम पे। सो चलते हैं आगे देखते हैं। ये देख ली नाजरीन, एक पाकिस्तानी से हाथ रख के अपनी तमी के भाई जी जी। शाह जी अभी से ज़्यादा तो मतलब इस्लामाबाद कंटेनर से भरा हुआ है, ये मामला आते हैं। ये खान साहब ने बताया था कि यार लोटे मत आए, ठीक है पीडीएम वाले बंदे ना आए, इसलिए उन्होंने हर जगह पे कंटेनर रखे हुए हैं। उल्टा बोल रहे राणा साहब ने रखा है, राणा साहब ना करे रोड ब्लॉक, भूल गया था माजरत। ये खान साहब ने राणा साहब की वजह से जो है ना, ये देखिए अब ये राणा साहब का नाम आया तो ये गाड़ी रार पार जा रही है। सो अब ये बच्चा है इनको मतकी पीर अभी हैं बच्चे, इनको हम लेके आए हैं इस जगह पे जो वाला ब्लॉक लेग्यू पार्क। वाओ आज गई गई। सो बोटिंग यहीं पे कर लेते ना, अब इन लोगों के पास 20 रुपए भी नहीं है भाइयों। ये आई एम व्लॉगिंग कर रहा हूं भाई, पार्किंग करनी है किस पे 20 रुपए और रुके में चेंज करा भाई 20 रुपए सीधे रे। अब इनके पास 20 रुपए भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, पीछे बाहर ही लगा देते हैं, वहां से चेंज करा दो ना भाई। डॉलर्स कितनी चेंज हो सकते हैं इससे,
सो फाइनली निकाल दिए इन्होंने पैसे, अब हम कार करके जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा, ये कितने डॉलर का था नोट? $20 की पार्किंग थी भी। अच्छा $20। सो मुताकी भैया आ गए, इनको हमें झूले झूले खिलाने हैं भैया, क्या मुनासिब है, घोड़े भी बिठाना है, लेक व्यू पार्क पहुँचाएंगे। तो नाजरीन को बताएं आपको कैसा लग रहा है भाई? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बस बस इतना ही कहूँगा। बाकी अगर आपको खान साहब बताएंगे ज़रा, मतलब कि साहब एक्साइटमेंट इतनी कि ये बेचारे पागल हो रहे हैं, इजहार नहीं कर पा रहे अपना। हैं कुल्फी खाओगे? नहीं। टीपू की बोला ना, नहीं तक ही फिर नहीं करो जी। शाह जी हो कि ये काम करते हो आप यार, मतलब क्या क्या है यार, मना और भी प्रॉब्लम कि भाई आ गए आप, इनको उतारे नहीं आए जी। तकी भाई, तकी भाई कैसा लग रहा है, इसका क्या मतलब है? बहुत बुरा। अच्छा हाँ, इसका मतलब ये है। सो ये चलते हैं आप इनको लेके आगे, ग्लासेस लेनी भाई ने, पहले तो इनकी ग्लासेस ले दें। वो भाई उतर रहे नहीं, आप इधर से बना लो वीडियो। भाइयों इनको बताएं कैसे लग रहे हैं। तो जी वाओ सेक्सी। देख मैं तकी भाई को तो ग्लासेस पसंद नहीं आई तो मैंने उठा के तक पहन ली, मैंने कहा चलो एक शॉट ही ले लेता हूँ उसका, ये अभी तक लगे हुए हैं। यार कौन सा नहीं पसंद आ रहा ये ना भाई, वापस बस दो मिनट के चस्के थे। ये वाली यार सूट करी तेरे पे है ना भाई? नहीं 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 नहीं। सो इनकी की ख़त्म हो जाए ये ग्लासेस लेने वाला सीन। सो फिर आगे जाते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। ग्लासेस की शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई तो मैंने सोचा इसके साथ प्रैंक कर लेता हूँ, तक मुझे ये मिल गया सांप एक, तो अभी इनके साथ देखते हैं प्रैंक करते हैं एक। हाँ जी मुताकी भाई कैसे हो आप? ठीक ठाक खैरियत। तो ग्लासेस नहीं पसंद आई तेरे, ये शोल्डर पे क्या है? यार नकली है भाई, क्या हो गया? YouTube पे सेम। ओए मैंने इधर ये इसमें देखा है भाई, ये हाथ ला दें, ये YouTube के यूट्यूबर है। हाँ जी। अच्छा हाँ। नाइस। क्या हुआ है, कैसा फील कर रहे हो? सदमे में चला गया बच्चा। सो चलें इनकी शॉपिंग कराते हैं। अब टीपू है के साथ ट्राई करना है। फाइनली हम लोग आ गए बोटिंग के लिए, मुताकी भाई भी तैयार हो चुके हैं और हम भी। सो इनसे हमारी बात हो गई, अब मुनासिब बात हो गई, अब बता नहीं सकते कितने की। सो ये पानी निकाल रहे हैं, इनका पानी निकल जाए बोट से तो हम बोटिंग स्टार्ट करेंगे। सो कहाँ तक जाना है आपको? बजर वो बड़ा राउंड कराएंगे, ये एक बड़ा राउंड बना के लाएंगे हम, पूरा आपको दिखाएंगे डैम। ये बनीगाला वाली तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है इसका। इमरान खान का घर भी दिखाएंगे, इमरान खान का घर भी आपको एंड पे अब दिखाएंगे। सो चलते हैं, बोटिंग स्टार्ट हो, इनका पानी निकल जाए। इमरान खान का घर यहाँ से नहीं नज़र आएगा, हमें आगे जाना पड़ेगा, उधर से दिखाएंगे आपको। सो स्टार्ट करते हैं बोटिंग, फिर चलें मिलते हैं यहाँ से। सो हमारी राइड स्टार्ट हो गई। मुताकी भाई डर तो नहीं रहे? किस बात का भाई, डरने की क्या बात है जब अली मौला साथ है। वाह वाह। सो हमारा सफ़र शुरू हो गया और अब हम लोग, ओए 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 ये तो बहुत आ रही है भाई, डूबने का खतरा तो नहीं है? नहीं भाई डूबेंगे नहीं, मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये होगा आपको जहाँ ज़्यादा डर लगे उधर आपको उतार देंगे पानी के अंदर। ओए नहीं होगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो हमारा सफ़र शुरू हो गया, शोर बहुत ज़्यादा है इस मोटर की वजह से। मुताकी भाई बता दो जी मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है जी अभी। तो सफ़र शुरू हो गया हमारा, आगे चलते हैं फिर आप बताते हैं क्या सीन है। यहाँ पे पहले तो ये जगह खाली होती थी बनीगाला की, यहाँ पे पहले हम लोगों ने लास्ट टाइम गर्मियों में गाड़ी भी उतारी हुई यहाँ पे, लेकिन अब ये फुल हो गया पानी की वजह से। तो चले मुताकी भाई के साथ, हमारा आज पहला सफ़र है डैम का, लेट्स गो।
मतलब कि भाई डर है और खड़े होने से नहीं, ये पूरी ज्यादा मतलब कश्ती में पानी भी है। ओए पानी आ रहा है कश्ती में, इधर का उधर हो रहा है। थंबनेल का शॉट है, थंबनेल का। तो भाई हम लोगों ने जो है लाइफ जैकेट्स पहन ली हुई है, टाइट कर नीचे से। लाइफ जैकेट्स पहन ली हुई है, बात नहीं हो रहा। हो गया जी, इधर मुड़ो जी यार, बहुत ही ज्यादा। तो ये भाई हैं, ये मैं यहाँ तक लेके आए हैं। तो बाकी हम इनसे पूछते हैं कि अभी क्या होगा भाई। अभी तो यहाँ पे कश्ती हमारी रुक गई हुई है। ये हुसैन भाई ने बोला था कश्ती यहाँ पे रोक दें, तो इन्हें रोक दी हुई है। तो कश्ती वगैरह खराब ही कोई भी नहीं हुई। हमने पहले इनसे लाइफ जैकेट्स मांगी ही नहीं थी, तो इनने दी नहीं दी। तो अभी हुसैन ने बोला कि लाइफ जैकेट्स दें, तो इन भाई ने निकाल के दिया। तो थोड़ा ये बनी इस डैम के बारे में ये बता दें, हम इनसे भी जरा पूछते हैं इस डैम की हिस्ट्री। भाई से पूछो जी। भैया जी, डैम तो मेरे पैदा होने से पहले ही बन गया था। 1962 में ना ये डैम बना था, ठीक है जी। तो तकरीबन 60-62 साल हो गए, 65 साल हो गए मेरे ख्याल में। सदर अयूब ने बनाया था डैम, जितने भी पाकिस्तान में बने हैं उसी टाइम ये भी उसने बना दिया था। ये रावल डैम है, और जब से ये बना है इसका जो है ना इंचार्ज जो है ना, मतलब ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। ये इस्लामाबाद में, तो इसके मतलब अंदर जो है ना मछली बहुत ज्यादा है। ये रावलपिंडी के लिए पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। ये भी बताया ना, इसमें पहले सुना था आबादी थी इस जगह पे। होती है आबादी बिल्कुल, 3-4 गांव था यहाँ पे। लेकिन उनको जो है ना जब ये डैम मंजूर हुआ ना, तो उनको नोटिस करके पब्लिकली मतलब उनको जो है ना यहाँ से निकाला गया। उनके घर मौजूद है अभी, ऐसा नहीं है कि वो लोग मतलब सारे डूब गए, उनको मूव कराया गया था यहाँ से। ये सुना भी है यहाँ पे पानी कम हो तो कहते नजर आता है, कब्रिस्तान नजर आता है, मीनार नजर आता है। पुरानी जो मरी रोड है जापान ने बनाई थी, अभी भी वो नीचे है, उसके काफी हिस्से जो है ना अभी भी सलामत ही है। सो ये भी बताया ना थोड़ा सा कि यहाँ पे कोई वाकया हुआ है डूबने छूबने का। जी ये डैम जो है ना, अभी लोग आते हैं पानी जब कम हो जाता है, जिस तरह आपने पहले बताया ना, तो जब पानी कम होता है किनारों पे ना, तो पानी जो जहाँ पे अभी 40 फीट है वहाँ पे तकरीबन 10 फीट 8 फीट रह जाता है ना जी। तो लोग आगे नहाते हैं, पिकनिक मनाते हैं गर्मियों में अक्सर में जो है ना, आप भी आगे देखेंगे। तो लोगों का जहन यही होता है सर्दियों में पानी पूरा जो है, लोग यही समझते हैं कि 8-10 फीट पानी है, छलांग लगाते हैं डूब के मर जाते हैं। पहले ही जो है ना, हमने 17-18 साल के दो लड़के थे, तो तीन आए थे, दो डूब के मर गए थे और एक जो है ना बच गया था ना। तो इन चीज़ों का जो है ना एहतियात करनी चाहिए। हम मना करते हैं लोगों को, कुछ लोग हमसे लड़ते भी हैं कि आपका डैम नहीं है, मतलब हमें नहाने से जो है ना यार इसकी जरूर ट्राई करो, कोशिश करो कि जान से आगे कुछ भी नहीं है जी। आपने करना भी लाइफ जैकेट पहने करो, और मोस्टली तो जंप मारो ना, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है जगहों का, अंदाजा नहीं है, मट्टी है, पत्थर है, बंदा फंस जाता है छलांग लगा के ना पानी। तो जो यहाँ पे बंदे खड़े होते हैं उनके बंदा चले वो कहते हैं, तो आपसे बिना मतलब क्योंकि जानते हैं, तो बंदा उनको जो है ना बात मान लेनी चाहिए, सुनना चाहिए। तो ये भाई कह रहे हैं कि जब यहाँ पे पानी कम होता है, तो यहाँ नीचे रोड्स जो थी पहले और मस्जिद घर वगैरह थे, मीनार वो नजर आते हैं, कब्रिस्तान तक यहाँ नजर आते हैं। तो ये भाई तो भी कब्रिस्तान के अंदर हो अभी भी, अभी हम भाई कब्रिस्तान के क्या पता ऊपर हो। नहीं नहीं अल्लाह ना करे, अभी भी इसका पानी रावलपिंडी शहर पीने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। पीने के लिए जी जी, पीने के लिए ये पानी इस्तेमाल होता है। इस पानी को जब भी आते हैं आप लोग, स्पेशली रिक्वेस्ट है कि ये जो गार्बेज प्लास्टिक वगैरह जो लेके आते हैं ना, वो अपना प्लास्टिक अपने साथ ले जाए ना, बिल्कुल सही बात है। एटलीस्ट बंदा जो है ना कोई अच्छी चीज ना करे, तो अपना जो गंद होता है उसको साथ बंदा ले जाए, क्योंकि प्लास्टिक 100 साल के बाद भी नहीं गलता है। वो गंद है सारा, ये कचरा है, मतलब ये एसेट है हमारा, हम लोगों ने खुद इसकी हिफाजत करनी है। हुकूमती लेवल पे तो इसका कोई अभी तक 62 साल हो गए हैं, कोई सफाई नहीं की किसी ने, ठीक है। तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग चले, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग लगते हैं,
तो कम से कम बंदा आगे ना अपना जो प्लास्टिक होता है शापुर प्लास्टिक वगैरह वो साथ बंदा अपने ले जाए ना बेस्ट है भाई। जो आप अपने साथ लेके आते हैं खाने पीने की चीज़ें वो अपने साथ जो है ना कचरा वगैरह होता है वो साथ लेके जाया करें भाई। ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे फैमिलीज वगैरह आती हैं और यहाँ पे बाद में इनको प्रॉब्लम होती है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके बड़ा जो है ना कचरा इकट्ठा हो जाता है, फिर इनके लिए प्रॉब्लम होती है। ये कि यार इन्होंने अभी बताया कि पानी पिंडी पूरे में इस्तेमाल होता है ना पीने के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर आप ही लोग आते हो आप ही गंद करोगे तो आप ही को नुकसान होगा इसका, तभी बीमारियाँ ज्यादा बढ़ रही यहाँ पे। चलो चलो दिखाओ इसको भाई जान। ये नेवी जो है ना पाक नेवी आर्मी वाले, ये इनके जो यंगस्टर्स हैं जो भी इनने अपॉइंट हुए हैं, ये उनकी ट्रेनिंग हो रही है। ये देख लें, ये देखें भाई, इनके पास कोई कश्ती वगैरह नहीं है, जस्ट एक बोर्ड है उसके ऊपर ये तो मैं आपको दिखा सकूं। ये देख लें, मेरे दोस्त को कहता मैं आज से बहुत साल पहले यहाँ पे आया तो छलांग मारी ये पहन के भाई। यहाँ पे पाक नेवी वालों की रेस लगी हुई है, वो पीछे वाला रह गए भाई, वो रह गए, वो रह गए। कम ऑन यू कैन डू इट। ये ट्रेनर इसके पीछे, ये भाई ट्रेनिंग हो रही है पाक नेवी की ट्रेनिंग। वाह शाबाश शाबाश। चल तो भाई ये था आज का हमारा व्लॉग, हमने आज आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो स्टे विद अस, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलना। और ये मैं अपने दोस्त जो है मेरा एच के व्लॉग्स है इनका चैनल, इनको मैं साथ मेंशन करूंगा और इनको भी आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।